यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित दरभंगा जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग श्री महेश्वर हजारी जी, माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री मदन सहनी जी, बेनीपुर के माननीय विधायक सुनील चौधरी जी, कुशेश्वर स्थान के माननीय विधायक शशिभूषण हजारी जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री दिलीप कुमार चौधरी जी, श्री अर्जुन सहनी जी, श्री सुनील कुमार सिंह जी, पूर्व विधायक जनाब इजहार अहमद साहब, पूर्व विधान पार्षद श्री मिश्रीलाल यादव जी, जिला परिषद दरभंगा की अध्यक्ष श्रीमती गीता देवी जी, दरभंगा जिला जनता दल यू के अध्यक्ष श्री अजय चौधरी जी, दरभंगा जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री हरी सहनी जी, जल जीवन हरियाली जागरूकता सम्मेलन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, दरभंगा के प्रभारी सचिव और समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अतुल प्रसाद जी, पथ निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री अमृतलाल मीना जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, योजना एवं विकास विभाग के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा जी, दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त श्री मयंक बरबड़े जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक श्री पंकज दराज जी, दरभंगा के जिलाधिकारी श्री त्यागराजन जी, दरभंगा के पुलिस अधीक्षक बाबूराम जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, जीविका समूह की दीदियां, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले जल जीवन हरियाली जागरूकता सम्मेलन के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का, आपकी उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं और आपका मैं अभिनंदन करता हूं। और महाकवि बाबा नागार्जुन की इस धरती का मैं नमन करता हूं। आज उनकी एक कविता, यहीं पर लोगों ने बताया, याद आता है मुझे अपना तरौनी ग्राम, जो बाबा नागार्जुन जी की कविता है, याद आता है मुझे अपना तरौनी ग्राम, याद आती लीचियां और आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और ताल मखान। ये कविता तो कितना इसका संबंध है जो हम लोग आज अभियान चला रहे हैं जल जीवन हरियाली, इसका हरियाली से कितना बड़ा संबंध, पृथ्वी की उपयोगिता से कितना संबंध है, पृथ्वी की अपने जगह की खासियत से कितना संबंध है। तो मुझे बड़ी खुशी है और मैं जिला प्रशासन को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस स्थान पर इस जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया है। यहां आने के बाद कई जो योजनाएं चल रही हैं, जो जीर्णोद्धार हुआ है, कई काम हुआ, उसको भी देखने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी है।
और जिला प्रशासन को, संबद्ध विभागों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। लेकिन आप जान रहे हैं कि इस बार की जो यात्रा है यह जल जीवन हरियाली यात्रा, और आप जानते हैं इसके लिए हम लोगों ने काफी विचार किया है, काफी मंथन किया है। और कारण क्या था, आप सबको मालूम है पिछले वर्ष बिहार में जो सूखे की स्थिति थी, 534 प्रखंड में से 280 प्रखंड सूखा प्रभावित, और मैं पिछले साल भी चिंतित था और मुझे लग रहा था कि सूखा की स्थिति आएगी, और उसके बाद हमने इस साल के बारे में भी कहा था कि इस साल भी बुरा हाल होगा। और आप बताइए, इसको देखते हुए हम लोगों ने पूरे बिहार में अध्ययन करवाया कि क्या हो रहा है, जल स्तर की क्या स्थिति है। बरसात आने के पहले और गर्मी के दिनों में जो आकलन किया सब जगह का पूरे बिहार में, तो गंगा नदी के दक्षिण के इलाके में तो भूजल स्तर में गिरावट आती रही है, लेकिन इस बार जो हमने देखा और इसकी चर्चा हम पूरे बिहार में हर जगह करते हैं, आज जहां पर हम मौजूद हैं दरभंगा जिले में, दरभंगा जिले में और मिथिला में कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन यहां भी भूजल स्तर में गिरावट आई। जब दरभंगा में भूजल स्तर में गिरावट आने की बात सामने आई, हमने कहा कि भाई अब ये पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा, पर्यावरण का जो संकट उत्पन्न हो रहा है, हम सब लोगों को इसके बारे में पूरे तौर पर सोचना होगा। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे राज्य की होने वाली, जो तो हो रहा पूरे देश में, हो रहा पूरी दुनिया में। इस दुनिया के कई मुल्क हैं जहां भूजल स्तर नीचे ही नहीं, भूजल स्तर समाप्त हो चुका। अब जब बिहार में, जबकि भूजल स्तर को संतोषजनक माना जाता था, और किस तरह से माना जाता था, हम लोगों के यहां वर्षा कितनी होती थी, जब हम लोग युवा अवस्था में थे, कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय तो यही बात जानते थे कि बिहार में जो बरसात का है औसत वर्षापात बिहार में 1200 मिलीमीटर से लेकर 1500 मिलीमीटर तक का, और मानसून की शुरुआत कब होती है तो 15 जून से होती है। अब धीरे धीरे स्थिति क्या हो गई, कब शुरुआत होगी, कब वर्षापात होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और दूसरी तरफ औसत वर्षापात जो 1200 मिलीमीटर से 1500 मिलीमीटर के बीच में हुआ करता था, पिछले 30 वर्षों का औसत अब 1027 मिलीमीटर हो चुका है, और पिछले 13 वर्षों का औसत बिहार में मात्र 901 मिलीमीटर हो चुका। अब आप सोच लीजिए, इस स्थिति को देखकर तो मेरे मन में जो इस बात के लिए चिंता थी, तो उसके लिए हम सब जगह आकलन करते थे, और इस बार जब भूजल स्तर दरभंगा में भी नीचे गया तो हमने कहा कि अब तत्काल इस बात को ध्यान में रखकर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर ध्यान देते हुए क्या क्या करना है सोचकर कदम उठाना पड़ेगा। और आप जानते हैं इसके बारे में, 13 जुलाई को हमने बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद के सभी दलों के माननीय सदस्यों की बैठक हुई, उसमें भाग लिया और उसमें इस बात का जिक्र किया, सब लोगों ने अपनी बात कही, और वहीं पर अंत में हमने कहा कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की आवश्यकता है, और नामकरण देख लीजिए, जल जीवन हरियाली, यानी जीवन के एक तरफ जल और एक तरफ हरियाली, मतलब साफ है, अगर जल और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है, अगर जल और हरियाली का नुकसान होगा तो जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, जीवन पर संकट आएगा, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु,
सबका जीवन संकट में आएगा। इसलिए हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान के लिए कार्यक्रम तय किया है और जागृति पैदा करने के लिए लोगों के बीच में अभियान चलाना शुरू किया। आपको मैं बता दूं, जो जल जीवन हरियाली अभियान है उसमें कुल लगभग 11 काम हम लोग करने वाले हैं और करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। जितने भी सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहार पाइप, सब पर अगर कोई अतिक्रमण है तो सारे तालाब, पोखर, आहार पाइप सबको अतिक्रमण से मुक्त कराना, और उसके बाद जितने भी तालाब हैं, पोखर हैं, आहार पाइप उसका जीर्णोद्धार कराना। और आप तो देखने आए, जीर्णोद्धार देखा, हम हर जगह देख रहे हैं, कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर दृश्य उपस्थित होता है। और मिथिला के इलाके में तो पहले से भी काफी तालाब रहा, लेकिन धीरे धीरे यहां का तालाब भी खत्म होता जा रहा। अब आप सोच लीजिए, यही कारण है कि भूजल स्तर में गिरावट आने लगी। तो इसलिए हम लोगों का संकल्प है, नंबर एक, जितने भी तालाब हैं, पोखर हैं, आहार है, पाइन है, उनको अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे, नंबर एक, और उस पर काम शुरू कर दिया। नंबर दो, तालाब, पोखर, आहार पाइन जितने हैं उनका जीर्णोद्धार कराना। और इसके बाद हमने कहा कि भाई, हम तो अब सबको हर घर बिजली भी पहुंचा दिए हैं और अब हर घर नल का जल पहुंचा रहे हैं, और अगले साल जब चुनाव में जाएंगे उसके पहले ये काम कर देंगे, क्योंकि मेरे साथ निश्चय का था, पिछली बार हमने कहा था उस काम को पूरा कर देंगे, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन हर घर नल का जल, आप सबको मालूम है, हर घर में शौचालय का काम, हर घर बिजली तो हर जगह पहुंचा दिया, शौचालय भी लगभग बन गया, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, यह सब काम तो कर रहे हैं। और हम बराबर कहते रहे कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए तो आज जितनी बीमारियां होती हैं 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए मैं खुले में शौच से मुक्ति के लिए शौचालय, और सब लोगों को शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। अब बहुत लोग हैं शौचालय बन भी जाए, और हमने कह दिया कि भाई एक एक चीज देख लीजिए, और सब लोग देख रहे हैं। अब बहुत जगह शौचालय बन गया तो बहुत लोगों की आदत ही नहीं है शौचालय में शौच करने का, चले जाते हैं बाहर, खास करके मर्द लोग। तो महिलाएं और बच्चों को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कई लोग होते हैं पुरुष लोग, उनको बाहर ही बैठ करके शौच करने की जो आदत है, तो सोचते हैं अंदर हम बैठ के करेंगे तो शौच होगा ही नहीं, बाहर ही जाएंगे, हम उनको सुझाव देंगे। अरे बाहर जाकर के शौच करते हैं उसका बड़ा नुकसान है, और आपको एक दिन दो दिन अंदर बैठिएगा तो मान लीजिए कि शौच नहीं, लेकिन दो दिन के बाद क्या पेट में वो जमा रहेगा, तीसरा दिन तो निकलेगा ही ना जी। इसलिए बाहर शौच में जाने के बजाय आप घर के शौचालय का उपयोग करिए। तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, पीने के लिए स्वच्छ पानी और नल का जल जो हर घर तक पहुंचा रहे हैं उसका उपयोग करना है पीने के पानी के लिए। लेकिन उसके साथ साथ जो पहले निर्भरता थी तालाब के अलावे कुआं पर, तो धीरे धीरे कुआं खत्म हो गया। तो तीसरा लक्ष्य हमने क्या बनाया है कि जितने सार्वजनिक स्थल पर के कुएं हैं उनका जीर्णोद्धार कराएंगे ताकि लोग कुओं का प्रयोग करेंगे। और हर घर नल का जल भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन चापाकल को भी दुरुस्त रखेंगे। और क्या तय किया कि जितने भी हमारे सबका जितना भी हमारा है, चाहे वो चापाकल का हो या कुआं का हो, तो कुआं के बगल में सोखता का भी, हमारे मुख्य सचिव इस बात की चर्चा कर रहे, सोखता का निर्माण करा रहे ताकि कुआं का उपयोग करिए जल का, और वो जो पानी आपका है बाहर नहीं जाकर के सोखता के माध्यम से नीचे जाए।
जमीन के नीचे जाए। और इसी तरह से चापाकल का इस्तेमाल करिएगा। आज भी यहां के स्कूल में हमने देखा चापाकल के बगल में सोखता का निर्माण, तो ये सोखता का निर्माण कराना ताकि वो पानी जाए। तो इस तरह से छोटी नदियों, जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों, इन सब जगहों पर हम लोग जल संरक्षण हेतु चेक डैम आदि का निर्माण कराएंगे। भले इस एरिया संबंधित नहीं हो, बिहार के विभिन्न एरिया से उसका, इलाके से उसका संबंध है। और इसके अलावा नए जल स्रोतों का सृजन और जितने भी हमारे सरकारी भवन हैं, उन सभी सरकारी भवनों पर जो वर्षा का जल होता है उसके छत पर जो पानी आता है, वो पानी का हम लोग सीधे ले जा करके करेंगे, उसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचयन। वो पानी ऐसे ही नहीं बर्बाद हो जाए, वो जो पानी वर्षा का है जो छत पर होता है उसका भी संचयन करें, उसको भी पाइप के सहारे नीचे ले जाकर धरती के नीचे पहुंचाएंगे। इस पर भी काम करना शुरू कर दिया। और जब सब सरकारी भवनों पर ये बन जाएगा तो इसका असर लोगों पर भी पड़ेगा, तो लोग अपने घर के ऊपर भी ये काम करना शुरू करेंगे और हम लोग पूरा का पूरा मदद करेंगे। तो इस तरह से जल संचयन होगा, तो ये जो और तालाब और पोखर आहार पाइन ये सब चेक डैम सबका निर्माण होगा, तो ये जो नीचे का भूजल स्तर है वो भूजल स्तर कायम रहेगा। और इसके लिए सब काम शुरू कर रहे हैं। और यही नहीं, इसके अलावा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, एक तरफ जल का संरक्षण और दूसरी तरफ वृक्षारोपण यानी हरियाली, एक तरफ पाप जल और दूसरी तरफ हरियाली। तो बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, जब झारखंड अलग हो गया लोगों को पहले समझ में नहीं आता था, हम लोगों को जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो हमने उस समय पता चलाया लगाया कि भाई हमारा कुछ हरित आवरण है कितना, जंगल तो बहुत कम है लेकिन और पेड़ पौधों को मिला करके हरित आवरण कितना है, तो पता चला कि मात्र 9% है। तब हमने हरियाली मिशन की शुरुआत की 12 में और 19 करोड़ पौधे लगवाए। आज हरित आवरण 9% से बढ़कर 15% हो गया, लेकिन इसके आगे भी बढ़ाना है, इसलिए और ज्यादा वृक्षारोपण करना है। 3 साल के अंदर फिर 8 करोड़ से भी ज्यादा वृक्षारोपण करेंगे हम लोग, तो 17% से भी ऊपर हरित आवरण बिहार का जाएगा। इसलिए एक तरफ जल का संरक्षण, दूसरी तरफ हरियाली, और तब जीवन सुरक्षित होगा। और इन सब चीजों के साथ साथ बिहार की जो आबादी है इसका 89% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और 76% लोग आज भी अपनी आजीविका के लिए, अपने भरण पोषण के लिए कृषि पर आधारित है। इसलिए कृषि पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम तो कृषि रोड मैप पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब और ऊपर हम लोगों ने यह सोचा है, ये जो जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत है, कि देखते हैं कि भाई जो फसल है, ये जो मौसम है, मौसम के अनुकूल फसल चक्र होना चाहिए। कभी कभी लोग फसल लगाते हैं बर्बाद हो जाता है, या तो बाढ़ से बर्बाद होता है या सूखे से बर्बाद होता है। तो हम लोगों को जो मौसम में बदलाव हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मौसम के मुताबिक फसल का चक्र होना चाहिए, कौन कौन फसल। और आप जानते हैं हम लोगों ने इस काम के लिए बहुत बड़ा काम शुरू किया है। आज हम समस्तीपुर गए, वहां पर भी ये लोग काम शुरू कर चुके हैं। हमने बिहार में योजना बना ली और 8 जिला में ये काम शुरू होने वाला है और 4 संस्थानों को इसमें शामिल किया है। ये जो पूसा में बॉर्लॉक इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, उसका पूसा का अंग है। दूसरा राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, तीसरा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर,
और चौथा आईसीएआर का जो क्षेत्रीय केंद्र है पटना में, इन सभी के विशेषज्ञों को मिलाकर कमेटी बनाई, इस पर काफी बड़ा सम्मेलन करवाया और अभी 8 जिलों का चयन किया है कि वहां पर आप प्रयोग करिए और लोगों को प्रेरित करिए कि कौन सा फसल आपके लिए उपयोगी है, आपकी आमदनी को बढ़ाएगा, तो फसल चक्र को भी, और उसके साथ साथ जो फसल अवशेष है उसको जलाने की प्रवृत्ति आ रही है। ये बीमारी शुरू हुई पंजाब और हरियाणा से और धीरे धीरे इरेन ये जो धीरे धीरे शुरू हुआ वहां से अब बिहार में भी आने लगा। रोहतास और कैमूर से बढ़ते बढ़ते पटना, नालंदा, कई जगह अब तुम देख रहे हैं एक साल से जगह जगह उत्तर बिहार में भी। उससे बचाना है, फसल अवशेष को जलाइएगा, प्रदूषण आएगा, जलवायु परिवर्तन होगा, पर्यावरण का संकट बढ़ेगा और जो जमीन है, खेत है, उसकी शक्ति, उपज की शक्ति घटती चली जाएगी। लेकिन कुछ लोग भ्रमित होकर इस काम को करते हैं और पहले बैल था, बैल तो है नहीं, बहुत कम है, लेकिन अभी भी तो गाय, उसकी संख्या तो बढ़ी है। हम लोगों को कोशिश करना है, अरे भाई भोजन के साथ साथ दूध सबको हो, तो गाय के लिए तो सबके लिए चारा की जरूरत होगी, तो लोग जो जला दे उससे बचिए। और हम लोगों ने कई काम इस पर शुरू किया है। क्या काम शुरू किया कि भाई इसको जलाइए मत। 4 तरह के कृषि यंत्र को हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई उस पर हम 75% का अनुदान देंगे और अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग को 80% का अनुदान देंगे। अवशेष, फसल अवशेष को सबसे पहले बुआई के लिए हैप्पी सीडर एवं जीरो टिलेज मशीन, फसल अवशेष को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर खेत में बिछाने के लिए रोटरी मल्चर, फसल अवशेष को इकट्ठा करने के लिए, जो अवशेष है उसको इकट्ठा करने के लिए स्ट्रॉ रीपर, स्ट्रॉ बेलर, और फसल काटने एवं बंडल बनाने के लिए रीपर कंबाइंडर यंत्र, और इसमें जो जीविका समूह है उसका भी उपयोग, इस पर इतनी उनकी आमदनी होगी और वो चारा के रूप में परिणत होगा, इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। कोई गलत सलाह देता है कि अब आपके पास मजदूर नहीं है, काटिएगा, कहां से लाइएगा, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, जला दो, ये सलाह देने वाला पर्यावरण का दुश्मन है। हम लोगों ने इस पर सारा काम करना शुरू किया और लोगों को और मदद भी करेंगे गाय पालन के लिए, और दूसरी तरफ ये जो चारा का निर्माण होगा इसमें भी मदद करेंगे। और ये भी हमने मुख्य सचिव को कहा है कि सभी संबद्ध विभागों को, कृषि, मत्स्य एवं पशु संसाधन, इन सब लोगों को मिला करके, आप जोड़ करके, और ये जो हम लोगों का मिशन मोड में काम शुरू हुआ जल जीवन हरियाली, इसके माध्यम से भी सहायता पहुंचाएंगे ताकि ये काम भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं और इसके बाद अब तो हर घर बिजली पहुंचा दिया, अब आप लोगों को संतोष हो गया। लेकिन एक बात जान लीजिए, बिजली का दुरुपयोग मत कीजिएगा, उपयोग ही कीजिएगा। ये बिजली है कोयला से बन रहा है, आई धरती पर कोयला की सीमा है, वो एक समय आएगा कोयला खत्म हो जाएगा, इसलिए फिर संकट होगा। तो इससे बचने के लिए हमको जो असली ऊर्जा है वो ऊपर नजर डालिए, सूर्य भगवान की तरफ, सौर ऊर्जा, असली ऊर्जा है सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और सूर्य के बदौलत ही तो ये पृथ्वी है, पूरा चक्कर काट रहा है, सब है, सारा जीवन है। तो जो सूर्य की ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, वही अक्षय ऊर्जा है, वही सदैव रहने वाला, अनिश्चित काल तक रहने वाली ऊर्जा है, तो उसको बढ़ावा देना, ये काम हम लोग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सब लोगों के बीच में अभियान चलाना, और अब जान लीजिए एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, अब पहले से काम कर रहे हैं,
शराबबंदी महिलाओं की मांग पर किया, और जो बुरा हाल होता था गाढ़ी कमाई का पैसा लोग शराब में गंवाते थे, महिलाओं की स्थिति खराब, बच्चों की स्थिति खराब, महिलाओं के मांग पर लागू कर दिया 1 अप्रैल 16 से, और अब घर की स्थिति बेहतर हुई। कुछ चंद लोग गड़बड़ करने वाले तो होंगे ही, आप चाहे जितना कर लीजिए, कुछ न कुछ दिमागी तौर पर इस तरह का घटपट सोच वाला है गड़बड़ करेगा, लेकिन उसको भी संभालने और समझाने की कोशिश करिए। चूंकि ये महिलाओं की मांग पर हुआ है, इसलिए हम जीविका की दीदियों को कहेंगे कि लोगों पर नजर रखिए। और हम लोगों ने क्या कहा, बहुत गरीब परिवार के लोग जो शराब और ताड़ी पर निर्भर थे, उन सब लोगों को शराबबंदी के बाद सतत जीविकोपार्जन योजना लागू किया है कि वो दूसरा काम करें, और जब दूसरा काम करेंगे तो उनकी आमदनी होगी और बेहतर आमदनी होगी। हम हर जगह जा रहे हैं और वैसे परिवार के लोगों को सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत 60,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक की मदद, और 7 महीने तक शुरुआती दौर में 1,000 रुपया हर महीना यूं ही उनको हम दान देते हैं। बहुत जगह 10,000 से भी ज्यादा ऐसे परिवारों ने अपना लिया। तो इस काम को भी करते रहिए, कोई गलत काम न करे, और समाज में जो हाशिए पर रहा है उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी योजना। और आप जानते हैं हम लोगों ने पूरे बिहार में, आप लोगों ने मौका दिया तो क्या नहीं किया। पहले कौन कल्पना करता था, कानून का राज कायम किया, और यह स्थिति आई है आप जब चाहते हैं तब जहां चाहते हैं वहां जा सकते हैं। सड़क का निर्माण, एक एक काम, स्कूल अस्पताल से लेकर के सारा काम, लेकिन उसके साथ साथ समाज सुधार के लिए शराबबंदी, समाज सुधार के लिए दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ अभियान। अगर बाल विवाह होता है तो महिला की भी मौत जो होती है, गर्भवती महिला की सबसे अधिक मौत होती है जो बाल विवाह की शिकार है उनको, जो बच्चे की मृत्यु होती है सबसे अधिक वो बाल विवाह की शिकार महिला है उनके बच्चे की। और उसके अलावे बिहार में भी वैसे बच्चे बौनेपन के शिकार होते हैं, कई प्रकार की बीमारियां उनको होती है। इसलिए हम लोगों का अभियान है और चलता रहेगा, और आप सबका सहयोग चाहिए। शराबबंदी, नशा मुक्ति के पक्ष में, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाना, और उसके साथ अब एक ऐसी चीज है जिस पर सारा जीवन निर्भर होने वाला है, वह है जल जीवन हरियाली अभियान। तो जल जीवन हरियाली अभियान को चलाइए, और इसके बारे में भी हम लोगों ने तय कर दिया। अब मालूम है शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में 21 जनवरी 2017 को मानव श्रृंखला बनी, एक दूसरे का हाथ थाम कर लोग खड़े हुए, दुनिया का रिकॉर्ड बना, 4 करोड़ लोगों ने बिहार में, आप में से भी अनेक लोगों ने उसमें भाग लिया। और उसके बाद 2018 के 21 जनवरी को दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ जो हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनवाई, उसकी लंबाई 14,000 किलोमीटर हुई। और अब हम लोगों ने तय किया है अगले महीने 19 जनवरी को रविवार का दिन है जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में। और जो दोनों काम पहले किया, शराबबंदी का माहौल, नशा मुक्ति का माहौल, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ माहौल, उसको भी इससे जोड़ते हुए जल जीवन हरियाली अभियान के लिए मानव श्रृंखला बनाना है। आप सबसे अपील करेंगे, मानव श्रृंखला 19 जनवरी को 11:30 बजे दिन में होगा, उसके पहले इकट्ठा होकर आधा घंटा एक दूसरे का हाथ थाम करके खड़े हो जाए। ये दुनिया को संदेश जाएगा कि बिहार में इतनी गरीबी है, लेकिन इसके बाद लोगों में जागृति कितनी है, जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता कितनी है, जल की रक्षा के लिए, हरियाली को बढ़ाने के लिए किस तरह से लोग एकजुट है, इसका असर सब जगह पड़ेगा, सबका ध्यान आप पर जाएगा।
ये दुनिया के सबसे धनी आदमी है बिल गेट्स, अमेरिका के रहने वाले, वो बिहार आते रहते हैं, भारत भी आते हैं, दुनिया के कई मुल्कों में मदद करते हैं, यहां भी बहुत काम किया है, अभी आए हुए थे, उनसे चर्चा हो रही थी। हमने जब जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में और जो काम हुआ इसके बारे में कहा, वो आश्चर्यचकित हुए, इतने खुश हुए कि यहां से लौटकर दिल्ली गए तो उन्होंने खुद ही कहा कि भाई मुझे तो खुशी हुई, जलवायु परिवर्तन की बात और उस पर चिंता फ्रांस में, अमेरिका में, इंग्लैंड में होता है ज्यादा, हमने देखा भाई बिहार में और पटना में हो रहा। तब आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी चीज है, दुनिया भर के लोग इसको देखेंगे तो सबको अच्छा लगेगा और बिहार वासियों के प्रति सबके मन में एक प्रेम का भाव पैदा होगा। पूरे देश में हम लोगों ने जो काम शुरू किया, हर घर बिजली का कनेक्शन पूरे देश में वो लागू हो रहा, हम लोगों ने तय किया हर घर नल का जल बिहार में, तो अगले साल तक ये काम पूरा हो जाएगा। आप पूरे देश में वो योजना चल रही है, तो चलाइए जल जीवन हरियाली अभियान को समझकर इसके प्रति पूरा समर्पण का भाव रखिएगा, सब लोग इसको देखेंगे, अच्छा मानेंगे, इसलिए हम लोगों को सोचना। और आप सब लोगों से यही अपील करेंगे, और एक ही अपील है, हम तो यहां पर आए हैं, अनेक योजनाओं का आप यहां पर उद्घाटन शिलान्यास सब हुआ है, इसके लिए भी हम सब लोगों को, सभी विभागों को बधाई देते हैं। और हम आप सब लोगों को एक ही बात कहेंगे कि भाई समाज में प्रेम का भाव, भाईचारे का भाव, आपसी एक दूसरे के प्रति इज्जत का भाव हम सब लोगों को रखना चाहिए। और ये कार्यक्रम जब होगा, ये आपका मनोबल ऊंचा रहेगा तो मैं समझता हूं कि देश भर के लोगों को ये अच्छा लगेगा और आपका जो प्रगति का दर है वो प्रगति का दर बढ़ेगा। हम लोगों ने बिहार के लिए काम किया है, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, हमारा जो दर है प्रजनन दर वो बहुत ज्यादा है, पूरे देश का जो औसत प्रजनन दर है उससे भी ज्यादा है, एक वर्ग किलोमीटर में जितनी आबादी औसत है देश में उससे लगभग 3 गुना बिहार में, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी का घनत्व बिहार में है और इस पर भी हम काम कर रहे हैं। और हमने इस पर काम करना शुरू किया तो हमको मालूम हुआ अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो पूरे देश का वैसे परिवार का प्रजनन दर 2 है, और बिहार में भी पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो वहां भी वैसे परिवार का प्रजनन दर 2 है, और अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है, 12वीं कक्षा पास है, तो पूरे देश का औसत प्रजनन दर था वैसे परिवारों का 1.7, और हमारे बिहार में पति पत्नी में पत्नी अगर इंटर पास है, 12वीं पास है, तो प्रजनन दर उसका 1.6। ये बात जो मेरे सामने आई, मेरे मन में यूरेका की भावना हुई, हमको लगा यही सबसे बड़ा समाधान है। और तभी हमने तय किया कि अपने बिहार के हर ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाएंगे ताकि हमारी लड़कियां भी इंटर तक पढ़ ले, 12वीं तक पढ़ ले, और जब वो पढ़ लेगी तभी ये प्रजनन दर नीचे जाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए हम लोग सब ये सब काम कर रहे हैं और एक एक चीज पर काम कर रहे हैं। और जान लीजिए 6000 से ज्यादा उच्च माध्यमिक विद्यालय पंचायत में बन गया, बाकी जितने पंचायत बने हैं अगले वर्ष अप्रैल महीने से वहां भी 9वें क्लास की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो एक एक काम हम लोग हर चीज में सोचते हैं, तो सब चीज को सोच करके सब काम। और यहां पर मुझे खुशी है 231,73,00,000 रुपए की योजनाओं का उद्घाटन हुआ, जिसमें प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र बहेड़ी और बिरोल है, बाजार समिति शिवधारा दरभंगा के परिसर का विकास, फिर 469,53,00,000 रुपए की योजनाओं का शिलान्यास, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिरोल भवन का निर्माण कार्य,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेनीपुर का भवन निर्माण कार्य, ये सब उसमें शामिल है। और पूरे दरभंगा में आप सोच लीजिए 1000 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास है। मैं इससे संबंधित सभी विभागों को धन्यवाद देता हूं और सारे विभागों का जिसका शिलान्यास हमसे कराए हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, उस पर समय उस काम को पूरा कराइएगा, मेरे हाथ से शिलान्यास करवाएंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सब काम तो हो ही रहा है और यहां पर तो सबको मालूम है दरभंगा में तारा मंडल सह विज्ञान संग्रहालय का निर्माण कार्य जारी है। तारा मंडल सह विज्ञान संग्रहालय का काम चल रहा है दरभंगा में, 164 करोड़ रुपए की लागत से वो काम चल रहा है। और पूर्व से संचालित दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जा रहा है। ये सब काम हो रहा है, ये सब काम तो करते रहेंगे, विकास का सारा काम। अब सड़क बनेगा नहीं बल्कि उसका रख रखाव भी होता रहेगा, एक एक काम होता रहेगा, उसकी चिंता मत करिएगा। लेकिन जो पर्यावरण का संकट है उसको ध्यान में रखिए, जलवायु परिवर्तन को बचाना है, पर्यावरण के संकट को दूर करना है, जल को बढ़ाना है, हरियाली को बढ़ाना है, ताकि जीवन सुरक्षित रहे। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा उद्देश्य है और यही यह अभियान है। और आज इसी के लिए जागरूकता सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करें ना 19 जनवरी और इतवार को जो हाथ में हाथ थाम करके मानव श्रृंखला बनेगी, पिछले सब रिकॉर्ड को, बिहार का ही नहीं दुनिया के सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके आगे बढ़िएगा, तो ये आपका इरादा है ना? हाथ उठा करके बताइए कि सब शामिल होंगे। देखिए सब लोग हाथ उठा लिए हैं, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बाबा नागार्जुन की धरती है, हाथ उठा लिए हैं, भूलिएगा मत, याद रखिएगा और सब लोगों के साथ मानव श्रृंखला में शामिल होइएगा। वो देखिएगा उसका जो असर पड़ेगा, उसका जो प्रभाव होगा। तो जो हम लोगों का उद्देश्य है प्रगति का, तरक्की का, हर इंसान को आगे बढ़ाने का, आपने देखा है हमने सबको जोड़ा है, समाज के हर तबके की सेवा की है, जो किनारे थे उनको मुख्य धारा से जोड़ा है, चाहे वो महिलाएं हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग, सबके लिए काम किया और सारे लोगों के लिए काम किया है, वो काम करते रहेंगे। आइए हम सब मिलकर अपने भविष्य को सुरक्षित करें, धरती को बचाएं और सब मिलकर प्रेम से आगे बढ़े, इसलिए इस मानव श्रृंखला में शामिल हो और शामिल होने का जो आपने वचन दिया है इसका ख्याल रखिएगा। ऊपर में देख लीजिए, ताकिएगा दिखाई पड़ जाएगा, देख रहे ना कौन है, सूर्य के सामने ये सब बात कह रहे हैं, सारा पृथ्वी सूर्य के ऊपर है, भूलिएगा मत, उनके सामने हाथ उठाए हैं, इसलिए भूलिएगा मत, याद रखिएगा और उस दिन इस तरह से शामिल हुई है मानव श्रृंखला में, वो अपने आप में उदाहरण बन जाए। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपने मुझे काम करने का मौका दिया है और मेरा कर्तव्य और दूसरा कुछ नहीं है, आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है, उसी को मान करके हम चलते हैं और जब तक आप चाहेंगे चलते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, इस धरती को प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।